बचपन के दो फ्रेंड्स को एक ही लड़के से प्यार हुआ तो क्या अब इनकी फ्रेंडशिप सस्टेन होगी, आगे क्या होगा, ये आज की हमारी मूवी सोलमेट जो 2016 की मूवी है इसमें हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होने पर हम हमारी मेन कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम है अनसान। अनसान के फ्रेंड जुलाई ने एक नॉवेल लिखी थी, इस पर एक प्रोडक्शन कंपनी मूवी बनाने वाली है। वो जुलाई को ढूंढ नहीं पा रहे थे तो इसी वजह से अनसान से कॉन्टैक्ट करते हैं। अनसान कहती कि जिस लड़की के बारे में बुक में लिखा हुआ है वो मैं नहीं हूँ, वो यहाँ झूठ कह रही थी। इसके बाद जब वो ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी तो उसका फ्रेंड जय सिंह उसे मिला। ये लास्ट टाइम मिले थे तो अनसान की शादी होने वाली थी पर वो कहती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया। जय सिंह उससे और भी बातें करना चाहता था पर अनसान उसे इग्नोर कर देती है। जय सिंह ने अपना नंबर उसे दे दिया। इसके बाद घर आकर वो जुलाई के नॉवेल को पढ़ना स्टार्ट करती है और हमें इनकी बचपन की स्टोरी पता चलती है। बचपन में अनसान एक दिन स्कूल में स्क्विरल लेकर आई थी, उसके पॉकेट से नीचे गिर गई और डायरेक्टली जुलाई के पास जाती है। इसी मोमेंट से इन दोनों में दोस्ती हो गई थी। ये स्क्विरल लाने के लिए सबको स्कूल में पनिश किया गया। फिर ये दोनों गई और बिल्डिंग का फायर अलार्म बजा देती है। इसी तरीके से मिसयूज करते हुए इन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत ही गाढ़ी हो गई थी। जुलई हमेशा अनसान को अपने घर लेकर आती थी क्योंकि अनसान के फादर नहीं है। ये दोनों इतने अच्छे फ्रेंड्स थे तो एक साथ बात भी लेते थे। जुलई की मदर को पता नहीं था कि अनसान के फादर नहीं है। ये मदर को सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। अनसान की मदर हमेशा बिजनेस ट्रिप के लिए जरा दूर रहती है, वो अपनी मदर को इतना पसंद नहीं करती। इसके बाद जुलई की मदर ने अनसान को अपनी बेटी की तरह ही प्यार दिया था। एक दिन स्कूल में अनसान को लेने के लिए उसकी मदर आई पर उससे वो दूर दूर भागती है। उसकी मदर दूर रहती थी तो इस वजह से उस पर बहुत ही अपसेट थी। उसके लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम हो पर वो जब जुलाई के साथ होती थी तो दोनों बहुत ही एंजॉय करते थे। इन्होंने कहीं पढ़ा था कि अगर एक दूसरे के शैडो में स्टेप करेंगे तो हमेशा पूरी लाइफ में एक साथ रहेंगे। ये दोनों हमेशा एक साथ ही रहना चाहती थी। इसके बाद बहुत सारे साल बीत गए। जुलाई को अच्छे से स्कूल में एडमिशन मिला। अनसान को स्टडी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, वो थोड़ी सी स्कूल करती है थोड़ा सा जॉब करती है। इनकी फ्रेंडशिप अभी भी उतनी ज़्यादा गहरी थी। ये अलग अलग प्लेसेस घूमते थे, ये रात में कोई अगर प्लेस बंद हो तो डायरेक्टली उसके अंदर घुस जाते पर कोई भी चोरी नहीं करते थे, जो भी चीज़ें उन्होंने ली इसके पैसे पे कर देते थे। जुलई की फैमिली भी अनसान के साथ बहुत ही कंफर्टेबल थी, ये सब लोग एक ही फैमिली की तरह लगते थे। जुलई की मदर को लगता है कि अनसान का सिर्फ लक खराब है, इसी वजह से उसकी लाइफ इस तरीके से है। ये बात अनसान को ज़रा सही नहीं लगती। आज रात ये दोनों अनसान के यहाँ स्लीप ओवर के लिए आए। सोते हुए अनसान अपना ड्रीम बताती है कि उसे बहुत ही रिच बनना है, उसका एक अच्छा हाउस होगा, उसकी लाइफ परफेक्ट होगी। यहाँ बातों बातों में जुलाई ने कहा कि उसे एक लड़का बहुत ही पसंद है। ये सुनने के बाद अनसान उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी कि उसका दिल ना टूटे। नेक्स्ट डे डायरेक्टली उस लड़के को ढूंढती है। इसी लड़के का नाम था जेमिन, ये हैंडसम है तो अनसान उसके पास जाती है और कहती है तुम हैंडसम हो, बहुत सारी लड़कियां तुम्हें भाव देती होंगी पर मेरे फ्रेंड को तुम पसंद आए हो, उसे मना मत करना। ये एक तरीके से धमकी ही थी। जेमिन इस बात से इंट्रिक्ट हो गया। अनसान जहाँ भी जा रही थी उसका वो पीछा करता है। फाइनली अनसान अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ से चली गई। आज के दिन लाइब्रेरी में जेमिन से जुलई मिली। ये एग्जाम में एक दूसरे के आगे पीछे ही बैठते थे तो बुक्स के रिलेटेड ज़रा डिस्कस करते हैं। जुलई को एक बुक मिल नहीं रही थी तो जेमिन ने उसे दिलाने के लिए मदद कर दी। जुलई उसके पास आई, उसके गाल पर किस करती है। इसके बाद ये दोनों कपल बन गए थे। जुलई जेमिन की भी शैडो में चलती है यानी कि उसके साथ हमेशा रह सके। एक दिन ये दोनों हैंगआउट करते हुए अनसान के पास आए। अनसान एक बार में काम करती थी और यहीं पर उसका बॉयफ्रेंड भी प्ले करता था। जुलई जरा वॉशरूम गई तो जय सिंह और अनसान ने दोनों बात करते हैं। अनसान जेमिन से पूछती है तुम्हें जुलई में क्या अच्छा लगता है। जेमिन कहता है कि मुझे उसमें सब अच्छा लगता है। अनसान ने पूछा तुम उसे किस हैंड से होल्ड करते हो। इन दोनों ने राइट हैंड आगे किया और एक दूसरे का हैंड होल्ड कर लेते हैं। क्लियरली इन दोनों में फर्स्ट मीटिंग के बाद जरा केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी। इसके बाद जुलई यहाँ पर आई पर तभी अनसान का बॉयफ्रेंड उसके लिए गाना डेडिकेट करता है। जुलई कहती कि यह सब क्या है। अनसान ने कहा कि वो मुझे बहुत ही प्यार करता है, वो चाहता है कि मैं भी उसके साथ कंट्री घूमूं। जब तक मैं उसे हाँ नहीं कहती तब तक हर सॉन्ग वो मुझे डेडिकेट करने वाला है। इसके बाद अगले दिन ये सब मिलकर माउंटेन के टेम्पल पर जा रहे थे। माउंटेन चढ़ते चढ़ते जुलई बहुत ही थक गई। वो कहती है तुम दोनों आगे जाओ, वो जरा आराम कर ऊपर आएगी। वो दोनों फिर ऊपर जाकर प्रे करते हैं। अनसांग ने जयसिंह से कहा कि तुम बहुत ही अजीब हो, तुम गॉड पर बिलीव नहीं करते पर फिर भी चलते चलते इतने ऊपर आए। जयसिंह कहता है कि अगर आप बिलीव नहीं भी करते फिर भी आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए।
उसने अपने गले से लॉकेट निकाला। वो कहता है कि जब मैं छोटा था तो बहुत बीमार पड़ गया था। मेरी मदर ने प्रे कर मेरे लिए लॉकेट लाया था। इसके बाद मैं ठीक हो गया, तो इसी वजह से यह हमेशा अपने पास लॉकेट रखता है। ये रॉकेट देखते हुए अनसांग उसके बहुत ही पास आ गई थी। उसे दूर जाने की कोशिश करती है, पर जयसिंह उसका हाथ पकड़ लेता है। इस मूवमेंट के बाद ये दोनों बाहर आए और जुली उनका बाहर वेट कर रही थी। ये दोनों थोड़े से डर जाते हैं और जिस तरीके से जुली बिहेव कर रही थी, इसे पता चलता है कि उन्होंने इन दोनों को देख लिया है। फिर भी वो डिसाइड करती कि इस बात को इग्नोर करेगी। इस दिन के बाद अनसांग ने डिसाइड किया कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाएगी। रेलवे स्टेशन पर जाते वक्त जुली और अनसांग ने दोनों बहुत ही इमोशनल हो गई थी। अनसांग जुली से कहती है कि वो मुझसे बहुत ही प्यार करता है। जुली ने पूछा कि अगर उसने एक दिन तुमसे प्यार करना बंद कर दिया तो क्या करोगी। अनसांग कहती कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम तो हमेशा मुझसे प्यार करती रहोगी। ट्रेन स्टार्ट हुई, ट्रेन के साथ साथ जुली भी भाग रही थी। तभी उसने अनसांग के गले में जयसिंह का नेकलेस देखा। ये बात अनसांग ने भी रियलाइज की। वो जुली से कहती है अगर तुम चाहो तो मैं रुक सकती हूँ, पर जुली बहुत ही हर्ट हो गई थी। वो जयमिंग से बहुत प्यार करती है और अनसांग के लिए उसे छोड़ नहीं सकती, तो इसलिए उसने उसे जाने दिया। इसके बाद जुली और अनसांग की लाइफ बहुत ही अलग अलग थी। अनसांग अपने बॉयफ्रेंड के साथ अलग अलग सिटीज में घूमती थी, तो जुली ने एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। वो और जयमिंग एक ही यूनिवर्सिटी में गए। जुली भी अपनी लाइफ में चाहती थी कि अनसांग की तरह अलग अलग प्लेसेस घूमे, पर उसके जाने के बाद उसे लगता है कि उसे स्टेबल लाइफ जीनी चाहिए। अब और भी थोड़ा टाइम गुजर चुका था। अनसांग के बॉयफ्रेंड ने उस पर चीट किया, तो उसे छोड़कर वो अकेली घूमने के लिए चली जाती है। अलग अलग प्लेसेस पर न्यू फ्रेंड्स बनाते हुए न्यू प्लेसेस घूमती है। पैरेलल में जुली के पेरेंट्स उसे जयसिंह से शादी करने के लिए प्रेशर कर रहे थे। उन्होंने 3 साल बाद शादी करने का डिसाइड कर लिया। और थोड़ा टाइम गुजरा और जुली को बैंक में जॉब मिल गया था। अनसांग की मदर की डेथ हो जाती है। जुली को जॉब मिलने के बाद वो बहुत ही स्टेबल लाइफ जीने लग गई थी। जयसिंह ये नहीं चाहता, उसने डिसाइड किया था कि अलग कंट्री में जाकर अपनी मास्टर्स करेगा। वो जुली को प्रॉमिस करके जाता है कि जब 2 साल बाद वो लौटेगा तो ये दोनों शादी कर लेंगे। जयमिंग के जाने से जुली बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो गई थी। वो जब घर पर आई तो अनसांग उसका वेट कर रही है। अनसांग भी अपनी लाइफ से अलग अलग प्लेसेस घूमकर तंग आ चुकी थी। ये दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बहुत रोते। इतने दिनों के बाद फिर से मिलने के बाद, बात करने के बाद दोनों के फेस पर स्माइल फिर से वापस आ गई। अनसांग के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, वो एक घटिया से होटल में रहने वाली थी, पर अनसांग उसे एक अच्छा सा रूम बुक कर देती है। बाद में एक जगह पर वो डिनर के लिए आए। अनसांग कहती है कि आज मैं ही पे करूंगी क्योंकि तुमने मेरे रूम के लिए पे किया था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं और इन्हें वाइन लेनी थी, तो वो जाती है और कुछ लड़कों से बात करती है। उनसे उसने बेट लगाए, 20 सेकंड्स के अंदर वाइन की पूरी बॉटल पी गई। इस वजह से उन्हें फ्री वाइन मिल जाती है। ये बात जुली को अच्छी नहीं लगती। वो कहती है कि इतने साल तुम इसी तरीके से रहती आई हो। अनसांग ने कहा कि लाइफ तुम्हें अच्छी या बुरी सारी चीजें देती है, तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। अनसांग के पास ज्यादा पैसे नहीं थे तो खुद सैलेड ले रही थी, तो इस बात पर जुली को गुस्सा आ गया। वो कहती कि मैं पे कर दूंगी, ज्यादा वरी मत करो, हम दोनों को इस तरीके से चीज़ों को बांट लेने की ज़रूरत नहीं है। अनसांग ने कहा तुमने बहुत सालों पहले सब कुछ चीज़ें बांट ली थी। इसका मतलब है जुली ने उसे जाने दिया था, इसी के बारे में वो बात कर रही थी। जुली भी गुस्सा हो गई। वो कहती है तुमने भी मेरे लिए जो भी लेटर लिखा उसके नीचे हमेशा तुमने जयसिंह के बारे में पूछा था, उसने तुम्हें जो लॉकेट दिया था ये तुम अभी भी पहन रही हो। इन सब बातों की वजह से इन दोनों में फाइट हो गई। अनसांग फिर गुस्से में यहाँ से चली जाती है। इस सीन के बाद और भी थोड़ा सा टाइम गुजर चुका है। एक ऑफिस में जयसिंह और अनसांग मिलते हैं। अनसांग अपनी प्रीवियस लाइफ से तंग आ चुकी थी, तो यहाँ पर उसने एक स्टेबल जॉब ले लिया था। वो कहती कि अब मैं शादी भी करने वाली हूँ। उसका बॉयफ्रेंड मैरिड था पर वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देने वाला है। उसने जयसिंह से अनसांग के बारे में पूछा। वो कहता है कि हम दोनों सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। जयसिंह से मिलने के बाद अनसांग जब बाहर आई तो एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। यह एक्सीडेंट उसके बॉयफ्रेंड का ही हुआ है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। पैरेलल में हम देखते हैं कि जुली जयसिंह से बात करना चाहती थी, पर आजकल वो बिजी है तो उसे पूरी तरीके से इग्नोर करता है। वो अपनी रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही इनसिक्योर हो रही थी। वो एक दिन डायरेक्टली जयसिंह के घर पर पहुंच गए, तो जयसिंह अनसांग को अपने घर लेकर जा रहा था। बॉयफ्रेंड के मरने के बाद अनसांग हार्ट ब्रोकन थी, उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था, तो इसलिए जयसिंह ने उसे हेल्प की थी। इन सारी बातों से जुली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। वो उसे कहती कि तुम्हें क्या लगता है जयसिंह तुमसे प्यार करता है, उसे सिर्फ मैं ही अच्छी लगती हूँ। जिस तरीके से तुम्हारी लाइफस्टाइल थी, उस लाइफस्टाइल में किसी भी आदमी ने तुमसे प्यार नहीं किया, वो सिर्फ तुम्हारा यूज़ कर रहे थे।
इस वर्ल्ड में तुम्हें कोई भी प्यार नहीं करता। तुम मेरी फ्रेंड थी, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, पर तुम मुझसे मेरा प्यार नहीं छीन सकती। इसके बाद जूली ने जयसिंह से बात की, कहती है मैं एक मंथ तक तुम्हारा वेट करूंगी, अगर तुम वापस आए तो हम शादी करेंगे और नहीं आए तो ठीक है। आज रात जयसिंह अपने माइंड को क्लियर करने के लिए रनिंग कर रहा था। अनसांग भी उसके साथ आए। जयसिंह ने उसे कहा कि अब मैं तुमसे नहीं मिल सकता, हम दोनों को बहुत पहले स्टॉप हो जाना चाहिए था। अनसांग ने फिर जयसिंह का लॉकेट उसे वापस कर दिया और वो यहाँ से चली जाती है। हम मूवी को फिर से प्रेजेंट में देखते हैं। ये जो स्टोरी अब तक चल रही थी ये जूली ने लिखी हुई है और अनसांग उसे पढ़ रही थी। वो पढ़ते पढ़ते ही सो जाती है, तभी हम देखते हैं कि अनसांग की डॉटर उसके पास आई। ये लैपटॉप को बंद कर देती है। फिर से हमारी फ्लैशबैक में स्टोरी कंटिन्यू होती है। इनके झगड़े के बाद जयसिंह जूली से मिलने के लिए आया। वो कहता है कि मैंने एक अपार्टमेंट रेंट की है, मैं चाहता हूँ हमेशा पूरी लाइफ तुम मेरे साथ ही रहो। जूली ने कहा कि ये सब बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। जयसिंह अपना अकाउंट उसे दे देता है, कहता है मेरा सब कुछ अब तुम्हारा ही है। इसके बाद ये दोनों बहुत खुश थे। इनके शादी का डे आया पर जयसिंह वहाँ से भाग गया था। इसे जूली को बहुत ही शौक लगा, पर वो अपनी लाइफ के साथ अब कुछ भी कर सकती थी, फ्री थी। वो डिसाइड करती है कि उसे भी अनसांग की तरह अलग अलग प्लेसेस घूमना है जो हमेशा से चाहती थी। उसकी मदर ने कभी उसे सपोर्ट नहीं किया था, पर अब कहती है कि एक औरत की लाइफ हार्ड होती है, पर मैं चाहती हूँ तुम्हारी लाइफ कभी भी हार्ड ना हो। उसने उसे सपोर्ट किया। फिर अनसांग जिस जिस प्लेसेस पर घूम कर आई थी, ये सारे प्लेसेस पर जूली घूमती है। फाइनली एक दिन वो अनसांग से मिलने के लिए आई। अनसांग का अब भी एक स्टेबल जॉब है, एक अच्छा घर है जहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। ये दोनों अब शादी भी करने वाले थे। उसका बॉयफ्रेंड भी बहुत ही स्वीट था। ये दोनों मिले, हैंग आउट किया और इसके बाद जूली यहाँ से जा रही थी। अनसांग चाहती थी कि जूली उसके साथ ही रुके, और जूली चाहती थी कि अनसांग उसके साथ वर्ल्ड घूमे, पर ये पॉसिबल नहीं था। इसके बाद फिर से प्रेजेंट में अचानक से जयसिंह को अनसांग की डॉटर का कॉल आता है। ये दोनों एक कैफे में मिले। अनसांग की डॉटर जयसिंह से पूछती है क्या तुम मेरे फादर हो? मेरे मदर ने जो भी लेटर्स लिखे इसके नीचे तुम्हारे बारे में उसने पूछा हुआ था। जयसिंह को ये बात बहुत ही फनी लगती है। अनसांग के डॉटर ने उसे एक बुक दिखाई, ये कहती है कि मेरी मदर ने लिखा है। जयसिंह कहता है कि तुम्हारी मदर ने नहीं, उसके फ्रेंड जूली ने लिखा है। अनसांग की डॉटर कहती कि नहीं, मेरी मदर जूली के नाम से लिखती है। इस बात से जयसिंह को शौक लगा, और तभी यहाँ पर अनसांग आ गई थी। अनसांग की डॉटर को घर पर छोड़ने के बाद ये दोनों बात करते हैं। जयसिंह कहता है तुमने नॉवेल में जो एंडिंग की है ये ज़रा अलग की है, अब सच क्या हुआ ये मुझे बताओ। अनसांग उसे कहती है कि जब जूली मुझे मिलने के लिए आई थी तब उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। एक्चुअल में जयसिंह वेडिंग से भाग गया क्योंकि जूली ने उसे कहा था। जूली ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती थी जो उसे पूरी तरीके से प्यार नहीं करता। उस दिन जूली और अनसांग ने सारी चीज़ों पर बात की थी। जूली कहती कि मुझे हमेशा से पता था तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, मैं बहुत ही सेल्फिश थी, मैंने तुम्हें तब बहुत ही हेट किया था पर अब नहीं करती। अनसांग ने पूछा कि तुम अब यहाँ क्यों आई हो? वो कहती कि जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो अपना सा मुझे सिर्फ तुम्हारे पास आना ही लगा। इन दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया था। इसके बाद जूली की डिलीवरी होने तक ये दोनों एक साथ ही रही। बेबी की डिलीवरी के बाद जूली अचानक से वहाँ से चली गई। उसे कॉल कर कहती है कि वो अलग लाइफ चाहती थी, वो बेबी के साथ स्टक नहीं रहना चाहती। उसे पता है कि अनसांग उसके बेबी का अच्छा सा ख्याल रखेगी। ये सब सुनने के बाद जयसिंह की आंखों में भी आंसू आ गए। वो अनसांग से परमिशन लेता है कि क्या मैं मेरी डॉटर से मिल सकता हूँ, और अनसांग ने भी उसे हाँ कहा। ये जो सब कुछ उसने उसे बताया था ये भी सब कुछ झूठ था। एक्चुअल में जब जूली ने अपने बेबी को बर्थ दिया तभी उसकी डेथ हो गई थी। उस दिन अनसांग बहुत रोई थी। वो अपने फ्रेंड को इस तरीके से सैड एंडिंग नहीं देना चाहती थी। वो अपने माइंड में अपने फ्रेंड को हमेशा फ्री देखती है, अलग अलग प्लेसेस घूमता और खुश देखती है। तो इसी वजह से अपने नॉवेल में उसने जूली को एक हैप्पी एंडिंग दी। ये नॉवेल एक तरीके की उसकी मेमोरी में उसने लिखा था। वो फाइनली अपने नॉवेल में लिखती है कि हम दोनों ने एक दूसरे को जीने का तरीका सिखाया। अनसांग लिखती है कि मैंने जूली को सिखाया कि फ्री कैसे रहते हैं, उसने मुझे सिखाया एक स्टेबल लाइफ क्या होती है। अनसांग आज भी अपनी शैडो में जूली को ही पाती है। वो हमेशा उसकी लाइफ का पार्ट रहेगी। उसकी बेटी को अपनी ही बेटी मानती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी फ्रेंडशिप दिखाती है, इमोशनल कर जाती है। इसी नोट पर आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा।
मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।